नमस्कार, ग्रेटिंग का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 7 बेंचों के माध्यम से 55 मामलों का निष्पादन किया गया और 3,16,775 रुपए की राजस्व वसूली की गई। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी ने किया। लोक अदालत में 7 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में बिजली से संबंधित 30 मामले, वन वाद से संबंधित 14 मामले, उत्पाद वाद से जुड़े 11 मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत में कुल 55 मामलों का निष्पादन हुआ और 3,16,775 रुपए की राजस्व वसूली की गई। लोक अदालत में पूर्व में निष्पादित मोटर दुर्घटना वाद में पीड़ित पक्ष को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा 55,26,665 रुपए का चेक प्रदान किया गया। लोक अदालत में पूर्व में निष्पादित मोटर दुर्घटना वाद में पीड़ित पक्ष को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा 55,26,650 रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं दूसरे मोटर दुर्घटना वाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा 4,11,000 का चेक पीड़ित को दिया गया। मासिक लोक अदालत में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी, पक्षकार, PLV की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा प्री लिटिगेशन डेस्क अपने यहाँ है, उसमें जो है झगड़ा होने से, ये मुकदमा लाने से पहले झगड़ा होने की दशा में ये हम लोग प्री लिटिगेशन बेंच में भी उसको जो है वो रिजॉल्व करते हैं। आज 2 क्लेम केसेज में, एक ANM की डेथ हो गई थी जो पिलियन राइडर थी, मोटरसाइकिल से जा रही थी, तो उसके लाभुक को 55,26,650 रुपए दिया गया। और एक और केस में जिसमें एक महिला की रोड एक्सीडेंट से मौत हुई थी, उसमें उसके परिवार के 5 बेनिफिशियरीज को 4,11,121 रुपये दिया गया। और ये मासिक लोक अदालत एक जनता के लिए काफ़ी अच्छा, सुलभ और सस्ता प्लेटफॉर्म है जहां उन्हें शीघ्र और सुलभ न्याय मिलता है। उसी के तहत हम लोग हर महीने ये लोक अदालत की लगाते हैं और बेनिफिशियरीज को लाभ पहुंचाते हैं। आज काफ़ी बेंच बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स हैं, फॉरेस्ट के मैटर्स हैं, वेट्स एंड मेजरमेंट्स के मैटर्स हैं। इस तरीके से कुल मेरे ख्याल से आज 7 बेंच बने हुए हैं, जिसमें प्री लिटिगेशन के लिए अलग, परमानेंट लोक अदालत का अलग एक बेंच है और बाकी सब जो कोर्ट में पेंडिंग केसेज हैं उनके लिए बनाया गया है। और हर महीने यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में केसेज सुलह होते हैं और अच्छी खासी रकम भी बेनिफिशरीज को मिलती है। उम्मीद है कि इस लोक अदालत में भी एक अच्छा खासा अमाउंट जो है लोगों को मिलेगा और बेनिफिशियरी लोग लाभान्वित होंगे। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनू कांत ने नगर आयुक्त को एक आवेदन देकर वकालत खाना में एक शौचालय निर्माण की मांग की है। इस बाबत नगर आयुक्त ने यहां जल्द शौचालय निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने शनिवार को नगर आयुक्त को एक आवेदन देकर वकालत खाना में एक शौचालय निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहां प्रतिदिन हजारों महिला पुरुष आते हैं जिन्हें शौचालय के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बाबत नगर आयुक्त अनिल राय ने कहा कि यहां जल्द ही शौचालय निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर अधिवक्ता बाल गोविंद साहू, कौशल, साजिद महमूद सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। बड़ी आदमी का कल्याण होगा, खास करके जो इंटेलिजेंट्स लोग हैं, बाप रे बाप लोग हो गए तो काम नहीं है। अब हमको तो उधर काम है, इसको काम नहीं है, काम इंफेक्शन हो रहा है मुझे ना। हाँ ठीक ठीक है, चलिए बात करिए ना, सब जो काम है उसको करिए। नहीं, हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे। मुद्दा ये था कि सिविल कोर्ट का जो कैंपस है उसमें प्रतिदिन करीब करीब 8,000 से 10,000 लिटिगेंट्स आते हैं, डिफेंस सदस्य पूरे जिले के, और करीब करीब हम लोग 1,000 वकील हैं, 600 एडवोकेट क्लर्क्स हैं। इस तरह से मिला करके हजारों की
आबादी है जिसके लिए यहाँ कोई माकूल शौचालय की व्यवस्था नहीं है और जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है। तो मेरी बात हुई थी और उसी के लिए हम लोगों ने आज नगर आयुक्त में आवेदन दिया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उसको जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि शौचालय नहीं रहने से पूरी तरह से बढ़िया से बहुत परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इसको लिया है और कहा है कि हम इसको सीरियस पर काम करें। स्कॉलर बीएड कॉलेज में डीएलएड के प्रशिक्षुओं द्वारा पौधारोपण किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जोरावर सिंह सलूजा उपस्थित थे। बनहत्ती स्थित बीएड कॉलेज में शनिवार को डीएलएड के प्रशिक्षुओं द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जोरावर सिंह सलूजा मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि पौधारोपण से वायु प्रदूषण कम होता है, साथ ही मनुष्य को शुद्ध हवा व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर ने कहा कि फलदार वृक्ष लगाने से शुद्ध हवा के साथ फल भी प्राप्त होता है। कार्यक्रम में शालिनी रंजन, संतोष कुमार चौधरी, सुधांशु शेखर, सदानंद देव, राजेंद्र प्रसाद, आशीष राज, प्रवीण कुमार मिश्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज हमारे स्कॉलर बीएड कॉलेज के डीएलएड डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने मिलकर आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया है और बहुत ही मुझे खुशी हुई कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने एक एक पौधा लेके आए आज कॉलेज में और सब अभी अपना पौधारोपण यहाँ पर कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो जागरूकता आजकल लोगों में नहीं है। पेड़ तो कट जाते हैं और लेकिन लग के उगने में सालों साल बीत जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कॉलेज मतलब मैनेजमेंट की तरफ से। और पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से। मेरे ख्याल से पर्यावरण को बचाने में पौधों की अहम भूमिका होती है और हमारे पर्यावरण में जिस तरह से रोज़ पेड़ कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो छात्रों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेड़ लगाया क्यों जाना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। इसके कारण कई बार बारिश में भी अनियमितता आती है, इसलिए पौधों को लगाना पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और छात्रों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो अगर हर छात्र ये डिसाइड कर ले कि हमने एक पौधा लगाना है तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे इस कॉलेज में लगेंगे जो कैंपस की शोभा तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध भी बनाए रखते हैं। और इससे कई तरह के हमें फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिसके कारण हमें कई तरह के कॉलेज में फल भी यहाँ उपलब्ध होंगे। कई मेडिसिनल प्लांट भी हैं जैसे किन्हीं से हमें बीमारियाँ दूर करने में भी सहायता मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों को लगाया जाना बहुत ज़रूरी। इसी अवेयरनेस को फैलाए जाने के लिए आज पौधारोपण कार्यक्रम डीएलएड की तरफ से करवाया गया। बरगंडा स्थित साईं मंदिर का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शनिवार को यहां हवन आरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। बरगंडा स्थित साईं मंदिर का 24वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस को लेकर शनिवार को यहां साईं बाबा प्रतिमा स्नान, प्रतिमा साज सज्जा, अमृतवाणी, साईं आरती, हवन, प्रसाद वितरण एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सुजीत निकुलम ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 1 मार्च को यहां भंडारा का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर शनिवार को मंदिर परिसर में साईं भक्तों की भीड़ लगी रही। ओम राम दूताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पावनाय। ओम पूज्यते स्वाहा। ओम दुर्गाय विष्णु
गिरिडीह के सबसे पुराना साई मंदिर बरगंडा साई मंदिर में 24वां स्थापना दिवस समारोह आज अत्यंत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल से ही यहां पर साई बाबा की पूजा अर्चना साई सचरित्र पाठ प्रारंभ है। अभी हवन के उपरांत शाम में भजन संध्या का भी कार्यक्रम है एवं प्रसाद वितरण भी अभी प्रारंभ होगा। वह निर्बाध है, रात्रि 10 बजे तक जारी ही रहेगा। और कल इस मंदिर में भंडारा का भी आयोजन किया गया है जिसमें तमाम साई भक्त गिरिडीह के आमंत्रित हैं। और यह इस वर्ष हम लोग 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और अगले वर्ष बाबा का सिल्वर जुबली हम लोग अत्यंत धूमधाम से पूरे गिरिडीह शहर में हम लोग मनाएंगे। इस वर्षों से स्थापना दिवस बाबा साई का मनाया जा रहा है। बरगंडा पुराना साई मंदिर है, ये 96 में हम लोग को याद है कि 96 से निर्विघ्न और निर्विवाद आज तक यहाँ एकदम सफलतापूर्वक भव्य रूप से 3 दिन का कार्यक्रम चलता जा रहा है। और कल भंडारा दिन भर मेरे पूरे नगरवासियों से अनुरोध होगा कि पूरा आवे और भंडारा में भाग लें और बाबा का आशीर्वाद लें, अनुरोध है वो आकर इसका लाभ उठाएं और इसमें भाग लें। और कल जो है 2 बजे से भंडारा का भी आयोजन किया गया है, इसमें सम्मिलित होकर के इसका लाभ उठाएं। साईनाथ महाराज की जय। गिरिडीह पुराना साई मंदिर बरगंडा में हर साल की भांति साल भी बाबा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिवस 28 तारीख को बाबा का पालकी भ्रमण नगर हुई। आज दूसरे दिन 29 तारीख को बाबा का सुबह साई सचरित्र पाठ पूजन एवं हवन और रात्रि में प्रसादी का व्यवस्था किया गया एवं कल भंडारा का व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में गिरिडीह के सभी भक्त आमंत्रित हैं, आकर प्रसादी ग्रहण करें एवं पुण्य का भागी बने। बोले साईनाथ महाराज। सरिया में हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सरिया प्रखंड कार्यालय के समीप शनिवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि बाइक पर पीछे बैठी उसकी साली घायल हो गई। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार सरिया थाना क्षेत्र के चिरुआ गांव निवासी किशोरी ठाकुर अपनी साली मीना कुमारी को अपने बाइक में बिठाकर भरकट्टा थाना क्षेत्र के बेड़ोकला में एक गस्ती पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सरिया प्रखंड कार्यालय के समीप सेवा बांध के पास गाड़ी ओवरटेक करने के क्रम में सामने से आ रही एक गेहूं से लदी ट्रक से टक्कर हो गई। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने भी बचाने का भरसक प्रयास किया लेकिन इस प्रयास के दौरान जहां ट्रक सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गया वहीं टक्कर हो जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार किशोरी ठाकुर की मौत हो गई व साथ में सवार उनकी साली मीना कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और खलासी गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना पाकर वहां पहुंचे जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे व सरिया पुलिस ने घायल युवती को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया जबकि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई। परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। सदर अस्पताल के सभागार में सहिया कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक क्षेत्र में कार्यरत एसटीटी व बीटीटी की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सदर अस्पताल के सभागार में शनिवार को सहिया कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक क्षेत्र में कार्यरत एसटीटी व बीटीटी की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राज कार्यक्रम समन्वयक आकाश मिंज ने की।
बैठक में सघन मिशन इंद्रधनुष प्रशिक्षण डीएलए बैठक आईपीसी सहिया प्रोत्साहन राशि भुगतान आदि की समीक्षा की गई। बैठक में एसपीसी आकाश मिंज विकास नाथ आईपीसी अजय कुमार शर्मा डीपीएम प्रतिमा कुमारी डीपीसी रणधीर प्रसाद एसटीटी वाहिद अंसारी ज्ञानचंद महतो सहित सभी प्रखंड के बीटीटी मौजूद थे। स्वास्थ्य मिशन में सामुदायिक गतिविधियों के लिए जो सहिया है ग्राम स्वास्थ्य समिति है समुदाय का पूरा जो एक बड़ा एरिया है उस पे कैसे हम और बेहतर काम को करें और आगे 3 तारीख से जो आईएमआई का राउंड शुरू हो रहा है तो उसके लिए कैसी तैयारियां हुई हैं गांव में सहिया के द्वारा लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन का यू लिस्ट बना है प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ है समुदाय कैसे जागरूक हुआ है कि इस बार के राउंड में गिरिडीह के कोई भी बच्चे ना छूटे और सबों का टीकाकरण हो सके सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो सके इसमें चर्चा हुई। इसके साथ साथ सहियाओं का जो आगामी आने वाले दिनों में प्रशिक्षण होने वाला है होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर में उस पर भी चर्चा हुई। डंडेडी पावर हाउस में कार्यरत एसबीओ सीताराम पंडित की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। डांडेडी पावर हाउस में शनिवार को सेवानिवृत्त एसबीओ सीताराम पंडित को एक समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उन्हें कर्मचारियों ने माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर कनीय विद्युत अभियंता गोविंद महतो अमित कुमार कर्मचारी श्याम नारायण सिंह दशिया बंदिया आनंद कुमार सिन्हा मणिकांत मंडल संदीप कुमार राजेश कुमार ललन कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। यहाँ पर पर्यटन प्रचालक के रूप में कर रहे हैं और पहले से जैसे अभी की स्थिति बेहतर है। किस तरह काम करने में लगा आपको? सर काम करने में जैसे बहुत अच्छा लगा पहले से अभी अच्छा है। आपके साथियों द्वारा क्या लोग से मदद वगैरह? हमारे पदाधिकारी लोग भी अच्छा जैसे सहयोग करते थे। अलकुंदा पंचायत के भदुआ पहाड़ी में शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई जिसमें 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। अलगुन्ना पंचायत के भदुआ पहाड़ी में शनिवार को 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी से आए यज्ञाधीश आचार्य श्री संजय कृष्ण महाराज के साथ आचार्य पंडित आकाश महाराज पंडित कृष्णा पांडे पंडित भोला पांडे दीपक शास्त्री भागीरथ शास्त्री अमित शास्त्री दीपांकर शास्त्री और पंकज शास्त्री सहित कई आचार्य पूजा के लिए आए हुए थे। बताया गया कि यज्ञ 28 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम में समिति की ओर से अध्यक्ष जगन्नाथ महतो सचिव सीताराम महतो संरक्षक राजकिशोर प्रसाद कोषाध्यक्ष प्रयाग प्रसाद वर्मा जितेंद्र वर्मा गणेश वर्मा सहित कई लोग शामिल हुए। गणपति प्राण प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ का यह जो कार्यक्रम भदुआ पहाड़ी पर समस्त भक्तजन अन्यान्य सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है तो यह बहुत ही पुनीत कर्म है और यह ज्ञात बहुत ही पर्जन्य है। यज्ञ से सभी का कल्याण होता है सभी की रक्षा होती है सभी पर कृपा होती है इसलिए यज्ञ नारायण भगवान को साक्षी स्वरूप यहाँ दर्शा करके जो यह गणपति प्राण प्रतिष्ठा सह महायज्ञ हो रहा है इससे सभी ग्राम क्षेत्रवासियों का नहीं अपितु यहाँ निवास करने वाले समस्त पशु पक्षी नाग दानव किन्नर आदि सभी प्रकार के
जो व्यक्ति है, जीव है, सभी का कल्याण होगा और इस यज्ञ से इस ग्राम में सुख सुविधा और भगवत कृपा की उपलब्धि होगी। इसी कामना से हम सभी अयोध्या बनारस से आए हुए समस्त विद्वज्जन इस यज्ञ का शुभ संचालन करेंगे। यह था हमारे आज का, फिर मिलते अगले अनुभव कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।